नमस्कार दोस्तों, मेरा इस ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं जा रहा हूँ ग्राम पंचायत पतराटोली, वहाँ ग्राम सभा है, तो अभी निकलूँगा। नहा धोवा के तैयार हो गया हूँ और मेरी बेटी अभी खेल रही है। चलिए आप सभी को ले चलते हैं पतराटोली। मेरी बेटी खेल रही होगी अभी, दिखाता हूँ। प्रियांशी प्रियांश खेल रही है अभी। गंदा कर रही है ना। खाना खाते हैं, क्या क्या सब्जी बना है? बरबट्टी, इसमें भात है। काफी धूप है दोस्तों, दिख रहा होगा अब से आपको, लगातार मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा कंटिन्यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आप सभी को देखने को मिले। चलिए मैं जल्दी से खाना उना खा के पतरा टोली के लिए निकलता हूँ। पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद निकलूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, घर से निकल गया हूँ, गेट के बाहर निकला हूँ। काफ़ी धूप है, चलते हैं अब पतरा टोली। आप सभी को पतरा टोली मिलते हैं दोस्तों, बने रहें ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, मैं पतरा टोली पहुँच चुका हूँ और 1 बजे ग्राम सभा के लिए मुनादी कराया गया था और अभी तो टाइम है 1 बजने के लिए। काफ़ी धूप भी है, काफ़ी धूप है और बाहर रह पाना थोड़ा मुश्किल है और लाइट ना रहे तो अभी गर्मी के दिन में भारी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी बड़ा ये पंचायत भवन है, सांस्कृतिक भवन था जिसको पंचायत भवन में तब्दील किया गया। तीन टंकी था बड़ा वाला, एक टंकी नहीं दिख रहा। अभी बाहर निकला हूँ दोस्त, अभी आदमी लोग जुटेंगे, उसके बाद ग्राम सभा स्टार्ट किया जाएगा। अभी ग्राम सभा में इस वजह से ग्राम सभा रखा गया है कि अभी जो सर्वे हुआ था हर गांव में, तो उसी का जानकारी लेना है और बता सर्वे के ही किसी का छूटा तो नहीं है, इस विषय में चर्चा करना है और आदमी से उनकी समस्या सुनना है। तो चलिए बने रही हमारे ब्लॉक में। ये है काफ़ी बड़ा भवन है, ये ख़राब हो गया, इसको भी बनवाना है। यहाँ पे एक और बोरिंग कोड़वाना है। काफ़ी धूप धूप है दोस्तों, मैं आपको एक दिन पतरा टोली का सारा गली घुमा दिखाऊंगा कि इधर क्या क्या बनाना है, वो सबको बताऊंगा और हर कार्य को देखने को के लिए मिलेगा मेरा ब्लॉग में, जो भी काम करेंगे हम लोग। कुर्सी में बैठ जाओ, आज आदमी मन नहीं है। बैठा कुर्सी में तो बैठा। चलिए दोस्तों, ग्राम सभा को खत्म कर लिया हूँ, उसके बाद जा रहा हूँ घर। मैं सागर पाली की ओर से जा रहा हूँ, जिधर से आता हूँ उधर से आज नहीं जा रहा हूँ, खजरी ढाब तरफ से। मैं आज इधर से गांव होते हुए घूमते हुए मारते जाऊंगा सागर पाली तरफ से, सागर पाली के लिए जाने के लिए रोड। सागर पाली भी आश्रित ग्राम है दोस्तों पतरा टोली का, तो पतरा टोली में ही आता है। चौदह वार्ड का ये हम लोग मेरा ग्राम पंचायत है पतरा टोली। और सभी कोई तेंदू पत्ता तोड़ते हुए ले जा रहे हैं बेचने को, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों गांव वाले, अपने सिर में ढो के जा रहे हैं। तरफ खेती भी किया गया है, अभी गर्मी का सीजन है दोस्तों, गर्मी वाला खेती है धान का, जो कि मैं ब्लॉग में कुतबा वाला को भी डालते रहता हूँ, उधर का भी कभी कभी जाता हूँ। तो सभी लोग काम कर रहे हैं। चलिए कि काफ़ी सुंदर है दोस्तों, ये सीसी रोड को मैं इन साल बनवाया हूँ। बरसात में बहुत दिक्कत होता था बच्चे के, बच्चे वालों को, यहाँ से छूट गया था।
यहाँ तक तो मेन रोड आया ही है आखिर, तो ये वाला बरसात के दिन बहुत कीचड़ हो जाता, तो 100 मीटर का रोड बनवाए हैं। अच्छा है, जब शुरू में बन रहा था उस समय मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा गिट्टी बालू कम, सीमेंट कम मिला है जैसे, लेकिन ठीक ठाक है। अब यहाँ से कट रहे हैं दोस्तों, ये चौक है, चौक इधर गौठान मार्ग ले जाता है मेरे जो किस में, ये जा रही जाएगा हम लोग को सती घाट ले जाएगा। इधर भी सीसी रोड बना हुआ है और ये रास्ता में भी अच्छा अच्छा चीज गांव में अक्सर मेन रोड की जगह सीसी रोड मिलती है। ये है दोस्तों, इधर भी खेती किया हुआ है, बस ये रोड बाकी है दोस्तों सागर पालिका सीसी रोड बनाना, इसको भी जल्द हो सके तो सीसी रोड बनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, 50 मीटर 100 मीटर करते हुए ऐसे बनाएंगे, तभी हो पाएगा, इकट्ठे तो नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा रोड है इसके वजह से नहीं हो पाएगा। काफी सुंदर है इस वजह से मैं सोचा इधर से आज जाके देखता हूँ। अभी तो ठीक है दोस्तों, बरसात के दिन में आदमी लोगों को दिक्कत होता है रास्ता में, पूरा को आप लोगों को दिखाते जाऊंगा तो ये ब्लॉग मेरा लंबा हो जाएगा। धान सब कितना अच्छा फूटा हुआ है, इधर का अभी नहीं मिलता है, और रोडिंग के लिए भी गाड़ी अच्छा है मेरा। काफी प्यारा दृश्य दोस्तों। अब मैं कि जो ये रोड अभी समाप्त होगा मिट्टी वाला, उसके बाद सीसी रोड मिलेगा, उसको कोतबा नगर पंचायत द्वारा से बनाया गया है, कोतबा का निर्माण काम है, तो काम करने के लिए उन लोग को जगह नहीं मिल रहा था, इस वजह से ये है। काफी अच्छा सुंदर रोड बना दिया गया है इधर भी, यह है दोस्तों जंगल का रास्ता, तो इधर भी कोतबा का नगर पंचायत का गौठान इधर ही बन रहा है, उस समय बहुत पहले आया था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ का फिलहाल काम चल ही रहा है, अच्छा सा बन रहा है काम, यहाँ का गौठान काम भी बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है। हटा के रास्ता बनाया गया था, अच्छा है, इधर तो आपको पूरा हरियाली मिलेगा दोस्त, पूरा धान ही धान मिलेगा। चलिए अच्छा लगा इस रास्ता में आके, जो मेरा बोलने का एक्सपीरियंस है दोस्तों नहीं है, कुछ भी नहीं है, गांव में रहते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं और जसपुर के रहने वाले हैं, तो जसपुर इधर से हम लोग का गांव पड़ता है, वो बॉर्डर पड़ जाता है झारखंड का, तो उधर से हम लोग का सादरी भी चलता है मेरा, तो सादरी और छत्तीसगढ़ी में एक्सपर्ट है, बाद बाकी हिंदी बहुत ही कम है दोस्तों, बड़े बड़े हैं, जिस प्रकार बोलना चाहिए उस प्रकार आदमी लोग सामने नहीं बोल पाते हैं, उस टाइप थोड़ा डर नहीं भगा है बोलने, मोबाइल पे भी ढंग से नहीं बोल पाते, कैमरा भी ऑन कैमरा भी। चलिए आपको सती घाट में मिलते हैं दोस्तों, यहाँ का रास्ता काफी
का दृश्य है ये। हम लोग कुछ देर में ही सती घाट में हो जाएंगे। गांव का माहौल ही कुछ ऐसा है कि मजा ही आ जाता है दोस्तों। और शहर की बात अलग है, शहर वाले को शहर में ही मजा आता है। एक जो गांव दिख रहा है, घर दिख रहा है, ये आ जाता है नगर पंचायत कोतबा में, उसके क्षेत्र में बटन हुआ। क्या कर रहे बेटे? अच्छा छाट छाट, हाँ जाओ छाट लिए, हाँ सब निकल गए। अरे 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 अरे, चलो आओ आओ आओ, इधर आओ। हेलो बोल दे बेटा, हाय बोल, हाय हाय बोलो, इधर हाय बोलो, हाय कर, हाय कर इधर बढ़िया से। वो हाथ में ये हाथ में नहीं, वो हाथ में हाय बोलो, हाय। हाँ चलिए दोस्तों, अभी खाना उना बना रही प्रीति, चावल छाट रहे हैं। लाइट है नहीं? हाँ चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग कहीं एंड करते हैं। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे और हमारा वीडियो देख सके। धन्यवाद।